हेलो एवरीवन वेलकम टू फिजिक्स ट्यूटोरियल्स सो आज का हमारा टॉपिक है वीटस्टोन ब्रिज इट इज़ वन ऑफ द एक्यूरेट अरेंजमेंट्स फॉर मेजरिंग एन अननोन रेजिस्टेंस एंड इस मेथड को ब्रिटिश फिजिसिस्ट सर चार्ल्स वीटस्टोन ने सजेस्ट किया था इन 1843 दैट इज वाई इस मेथड का नाम पड़ा व्हीट ब्रिज सो लेट्स स्टार्ट विदेज टॉपिक दैट इज व्हीट ब्रिज

मीन्स केलवेनोमीटर से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा हैंस कोई नहीं होगी में, सो so, जब ऐसा होगा मीन्स ब्रिज बैलेंस कंडीशन में होगा तब जो रेशियो होगी पी एंड क्यू की वो इक्वल होगी टू द रेशो ऑफ आर एंड एस रेजिस्टेंसेज सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज सो लिख लेते हैं इसे अट स्टोन ब्रिज इज सेट टू बी बैलेंस्ड इफ नो करंट फ्लोज थ्रू its galvanometer arm and when wheatstone bridge is balanced then we have p by q equals to r by s मीन्स जब ब्रिज बैलेंस्ड कंडीशन में होगा तब जो रेशो होगी पी बाय क्यू की वो इक्वल होगी टू द रेशो ऑफ आर बाई एस रेजिस्टेंसेस नाउ लेट एस बी द रेजिस्टेंस जिसको हमें मेजर करना है एंड रेजिस्टेंस आर को ऐसे एडजस्ट किया जाता है सो दैट देर इज़ नो डिफ्लेक्शन इन दिस गैल्वेनोमीटर, एंड हैंस वी गेट पी बाय क्यू रेशो इक्वल टू आर बाई एस रेशियो एंड यहाँ से अन रेजिस्टेंस एस कितना आ जाएगा दिस विल बी इक्वल्स टू क्यू अपॉन पी इन टू आर सो वी कैन फाइंड अनन नोन रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ रिमेनिंग थ्री रेजिस्टेंसिस नाउ द आर्म्स कंटेनिंग रेजिस्टेंस पी एंड क्यू इन्हें कहा जाता है रेशियो आर्म्स एंड द आर्म ए डी कंटेनिंग रेजिस्टेंस आर इसे कहा जाता है स्टैंडर्ड आर्म एंड दिस आम दैट इज सी डी आर्म जिसमें एस अनोन रेजिस्टेंस है इसे कहा जाता है अनोन आर्म अब हम इस बैलेंस्ड कंडीशन को डिराइव करते हैं यूजिंग किर्च ऑफ सो यहाँ से करंट आई कर कर तो फ्लो कर रहा है टूअर्ड्स इज जंक्शन ए एंड यहाँ जाके ये करंट डिवाइड हो जाएगा एंड लेट से करंट आई वन फ्लो इन दिस आर्म और यहाँ पे लेट से करंट आई टू फ्लो कर गया एंड आई टू कितना होगा अगर आई वन इधर चला गया आउट ऑफ आई तो यहाँ कितना होगा आई माइनस आई वन दैट इज़ आई टू ठीक है अब आई वन यहाँ फ्लो कर रहे हैं एंड लेट से आउट ऑफ दिस आई वन कुछ अमाउंट ऑफ करंट इस गेलवेनोमीटर से फ्लो कर रहा है एंड लेट इट बी आई अब आई में से आई इधर चला गया तो यहाँ कितना बचा आई वन माइनस आई जी एंड अब ये यह आई जी यहाँ आएगा एंड यहां से आई टू करंट आ रहा है और इस आम में कितना आ जाएगा आई टू प्लस आई जी सो हेयर वी हैव करंट आई टू प्लस आई जी अब ये करंट दैट इज आई वन माइनस आई जी एंड यहाँ से आई टू प्लस आई जी ये दोनों यहां मिलकर दोबारा से करंट आई वन बनाएंगे देख लेते हैं इसे इस जंक्शन पे क्या होगा सी पॉइंट पे वी हैव आई वन माइनस आई जी प्लस आई टू प्लस आई जी अभी आई जी आई जी कैंसिल हो जाएंगे सो वी हैव आई वन प्लस आई टू एंड आई वन प्लस आई टू कितना था आई तो दैट मीन्स जितना करंट आई यहाँ से एंटर किया है उतना ही करंट आई यहाँ से एग्जिट कर रहे हैं लूप ए बी डी एंड ए अब इस लूप में इन दो आर्म्स में करंट ए की डायरेक्शन में जा रहा है और इस आर्म में करंट जा रहा है टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन तो हम लूप की डायरेक्शन भी यही ले लेते हैं सो डेरिवेशन ऑफ बैलेंस्ड कंडीशन from Kirchhoff's laws So applying Kirchhoff's law to this loop we have to the loop A B D A अब इस रेजिस्टेंस में करंट फ्लो कर रहा है ऐसे हेंस यहाँ होगा पॉजिटिव एंड यह नेगेटिव एंड ये करंट इस गेलवानोमीटर रेजिस्टेंस में से फ्लो कर रहा है सो यहाँ होगा पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव एंड ये करंट की डायरेक्शन इधर है तो यहाँ होगा पॉजिटिव एंड यहाँ नेगेटिव सो जब हम लूप की डायरेक्शन में जाएंगे तो हमें पहले आई का पॉजिटिव मिलेगा मतलब गेलवानोमीटर के रेजिस्टेंस का पहले पॉजिटिव मिलेगा देन नेगेटिव सो यहाँ पर जो प्रोडक्ट होगा करंट और रेजिस्टेंस का वो होगा पॉजिटिव ठीक है दैट इज़ प्लस आई जी इंटू कैपिटल जी आगे मूव करेंगे तो इस रेजिस्टेंस का हमें पहले नेगेटिव मिलेगा देन पॉजिटिव तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट होगा आई टू और आर का वो होगा नेगेटिव दैट इज माइनस आई टू इंटू कैपिटल आर आगे मूव करेंगे तो इस रेजिस्टेंस का हमें मिलेगा पहले पॉजिटिव देन नेगेटिव तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट होगा आई वन और पी रेजिस्टेंस का वो होगा पॉजिटिव सो वी हैव प्लस आई वन पी इक्वल्स टू जीरो वेयर जी इज द Galvanometer resistance. J is the resistance of the galvanometer. Now again applying Kirchhoff's second law to the loop B, C, D, B. We have अप्लाइंगचॉज सेकेंड लॉ और किरचॉज वोल्टेज लॉ टू दूप टू द्लोज लूप बी सी डी बी वी गेट अब इस लूप में इन दो आर्म्स के क्रॉस करंट की डायरेक्शन सेम है हैंस हम लूप की डायरेक्शन में यही ले लेते हैं एंड यहाँ करंट फ्लो कर रहा है इन दिस डायरेक्शन हैंस इस रेजिस्टेंस का यहाँ पॉजिटिव होगा यहाँ नेगेटिव एंड यहाँ करंट आ रहा है टूवर्ड्स डाउन साइड So, यहाँ पे इस रेजिस्टेंस का होगा पॉजिटिव एंड यहाँ नेगेटिव तो जब हम लूप की डायरेक्शन में मूव करेंगे हमें इस रेजिस्टेंस का पहले पॉजिटिव मिलेगा देन नेगेटिव तो यहाँ पे इस, इसका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा मतलब आई टू प्लस आई जी इंटू एस का प्रोडक्ट हो जाएगा पॉजिटिव सॉरी दिस इज एस आगे मूव करेंगे अब इस रेजिस्टेंस का हमें नेगेटिव मिल रहा है देन पॉजिटिव तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट होगा क्यू इंटू आई वन माइनस आई जी का वो होगा नेगेटिव सो वी हैव माइनस आई वन माइनस आई जी इंटू कैपिटल Q फर्दर मूव करेंगे यहाँ पे आई जी और इस रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट होगा पॉजिटिव क्योंकि हमें इस रेजिस्टेंस का पहले पॉजिटिव मिलेगा अगर हम लूप के अक्रॉस मूव करेंगे और बाद में नेगेटिव सो यहाँ आ जाएगा प्लस आई जी इंटू कैपिटल जी इक्वल टू जीरो नाउ वी नो दैट की जो बैलेंस्ड कंडीशन होती है ब्रिज की उसके जो आई जी होगा दैट इज करंट थ्रो दिस गेलवेनोमीटर वो होगा जीरो के इक्वल सो इन द बैलेंस्ड इक्वेशन सॉरी इन द बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ द ब्रिज वी हैव आई जी इक्वल टू जीरो तो जो ये दोनों इक्वेशन है यहाँ पे हम अगर आई जी इक्वल टू जीरो पुट करते हैं सो वी हैव सो ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी सो so यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास आई वन पी माइनस आई टू आर ठीक है यहाँ हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं दैट आई वन पी इक्वल्स टू आई टू आर लेट दिस इक्वेशन भी इक्वेशन नंबर वन एंड जब इस इक्वेशन में हम आई जी इक्वल टू जीरो पुट करेंगे सो वी हैव आई टू एस माइनस आई वन क्यू इक्वल्स टू जीरो और इसे हम कैसे लिख सकते हैं आई वन क्यू इक्वल्स टू आई टू एस लेट दिस इक्वेशन भी इक्वेशन नंबर टू नाउ ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन वन बाय इक्वेशन टू वी गेट वन डिवाइडेड बाय टू वी गेट आई वन आई वन कैंसल हो जाएंगे आई टू आई टू भी कैंसल हो जाएंगे सो वी हैव पी बास टू

अब अगर हम इस व्हीट स्टोन बीच में गेलवेनोमीटर और सेल की पोजीशन को इंटरचेंज कर दें देन देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन बैलेंसिंग देम सो लेट्स प्रूव दिस अब यहाँ पर व्हीट स्टोन बीच में सेल और गेलवेनोमीटर की पोजिशन को इंटरचेंज कर दिया गया अब इस सेल को हम बाहर की तरफ भी बना सकते हैं ऐसे बिटवीन पॉइंट्स बी एंड डी यहाँ भी वी एंड डी के बीच में कनेक्टेड है ये एंड इस गेलवेनोमीटर को हम अंदर बना सकते हैं बिटवीन पॉइंट्स ए एंड सी राइट नाउ इफ पी इज़ टू ओम ठीक है एंड क्यू इज़ फोर ओम एंड आर इज़ थ्री ओम एंड एस इज सिक्स ओम सो इस केस में बैलेंसिंग कंडीशन क्या हो जाएगी पी अपॉन क्यू इक्वल्स टू आर अपॉन एस तो कितना आएगा यहाँ से टू अपॉन फोर इक्वल्स टू थ्री बाय सिक्स तो दिस इज हाफ एंड दिस इज ऑल्सो हाफ ठीक है अब यहाँ पर अब यहाँ सेल कनेक्टेड है पॉइंट बी एंड डी जैसे यहाँ कनेक्टेड है बस इसको यहाँ बाहर की तरफ ड्रॉ कर दिया गया और इस गैल्वेनोमीटर को यहाँ अंदर की तरफ ड्रॉ कर दिया गया है एंड अगर इस डायग्राम को हम रोटेट करके देखें तो कुछ ऐसा लगेगा मतलब इसे अगर एंटी क्लॉक वाइज आप रोटेट कर दो सो यू विल गेट दिस डायग्राम अब यहाँ पे बैलेंसिंग कंडीशन क्या होगी अब Q की वैल्यू है फोर ओम यहाँ से एंड S एस सिक्स ओम P इज टू ओम एंड आर एस थ्री ओम सो यहाँ से बैलेंसिंग कंडीशन क्या आएगी क्यू बाई एस इक्वल्स टू पी बाय आर देट इज़ क्यू बाई एस इक्वल्स टू पी बाय आर वो कितनी आ गई क्यू बाई एस एस फोर बाय सिक्स एंड पी बाय एस एस सॉरी पी बाय आर एस टू बाई थ्री एंड ये भी टू बाय थ्री है सो so, यहाँ पर भी हमें क्या मिल गया टू बाय थ्री इक्वल्स टू टू बाय थ्री हैंड्स हम कह सकते हैं कि जब हम गेलवेनोमीटर और सेल को इंटरचेंज करते हैं इना व्हीट स्टोन ब्रिज तो उसकी बैलेंसिंग कंडीशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता सो दिस इज़ ऑल अबाउट वीट स्टोन ब्रिज नेक्स्ट वीडियो में हम वीट स्टोन ब्रिज पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे आई रियली होप दैट यू आर लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ टिल देन कीप रिवाइजिंग एंड गुड बाय थैंक यू